प्यारे दोस्तों को हम आज ये बताने जा रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि दुनिया के महान नेता, यशस्वी नेता जो दुनिया में अपनी पहचान बना चुके हैं और भारत का नाम विश्व के उच्च पटल पर ला चुके हैं, ऐसे महान नेता सभी लोग बहुत सोचते होंगे कि क्या खाते होंगे, क्या पीते होंगे, क्या रहना, क्या चाल चलन, उनका विचार कैसे क्या रहता होगा। तो वही हम आपको बताने चाह रहे हैं कि उनकी दिनचर्या कैसी होती है, कब उठते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या उनका रहना सहना है, क्या उनका जीवन विचार शैली और उनका भविष्य का क्या सपना है और भारत देश के लिए वो क्या कर सकते हैं और उनका परिवार क्या है और कैसे भारतवासियों को अपने जहन में आते हैं कि भैया ये मेरा परिवार है, कि क्या मेरे को इनको करना चाहिए, कौन से घर से निकल रहे हैं, ये सब लोगों को कैसे इनका उत्थान करना चाहिए, ये जो सपना अपनी मुट्ठी में दबाए हुए, अपने दिल में दबाए हुए जो अपने सपने को लेकर चल रहे हैं भारतवासियों के कल्याण के लिए, तो वो उनकी हम दिनचर्या आपको बताने जा रहे हैं। विशेष तौर से सब चीज़ों का ध्यान रखा गया है, फिर भी कोई गलती हो जाए तो हम क्षमा चाहते हैं देशवासियों से। और मोदी जी हमेशा अपने पूरे भारत को एक परिवार और पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा कुटुंब मानते हैं, तो उसी के जरिए हम आपको सबसे पहले उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे क्या उनका, काफ़ी सारी चीज़ें हम आपको बताने जा रहे हैं उनकी दिनचर्या। सबसे पहले वो खाते क्या है, कौन उनका खाना बनाता है, ये सारी चीज़ें तो हम आपको बता दें कि सबसे पहले उनका जन्म हुआ था 17 सितंबर 1950 को, 17 सितंबर 1950 को स्थान वडनगर गुजरात में। पहले ये मुंबई में आता था, अभी ये गुजरात के अंदर है। ठीक है दोस्तों, और मोदी जी की क्या दिनचर्या रहती है, कब उठते हैं? सबसे पहले सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, मतलब 5 बजे बिस्तर, 4 बजे छोड़ देते हैं और 5 बजे रहते हैं। नींद का समय उनका 3 से 4 घंटे के बीच में नींद निकालते हैं और दिन में सोना बिल्कुल भी पसंद नहीं है मोदी जी को, जो हमारे प्रिय नेता हैं और विश्व पटल पर अपनी पहचान बना चुके हैं और अपनी ही नहीं देश की उससे ज़्यादा पहचान बनाए हुए हैं। उठने के बाद में मोदी जी आधा घंटा योग और प्राणायाम के लिए देते हैं, जो कि योग को विश्व पटल पर ला चुके हैं, ये भी जग जाहिर है। तो विशेष तौर से आप ध्यान रखिएगा, मेन इनकी आदत क्या है भाई साहब, सबसे पहले अखबार पढ़ना, सारे अखबारों को के ऊपर पैनी नज़र रखते हैं, न्यूज़ चैनल्स बराबर देखते रहते हैं और न सोना और न सोने देना ये इनकी आदत में खास है। खुद भी नहीं सोएंगे ना ही किसी को सोने देंगे, मतलब काम के प्रति जागरूक साधारण जीवन शैली अपनाते हैं, सादा जीवन और उच्च विचार की जीवन शैली अपनाते हैं, कोई विशेष शौक नहीं इनको। सुबह हल्का नाश्ता साथ में, अब विशेष शौक आपको ये बता दें कि मोदी जी इतना महंगा सूट पहनते हैं, लेकिन भाई साहब महंगा सूट पहनने के बाद में वो दान उसको नीलाम करके जो पैसा आता है डोनेट भी कर देते हैं। विशेष तौर से सुबह हल्का नाश्ता, हल्का सा नाश्ता लेते हैं और साथ में अदरक वाली चाय पीना नहीं भूलते हैं, कंपलसरी चाहिए उनको। तले हुए और तेलीय पदार्थ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तले हुए और तेलीय पदार्थ खाने में कुछ भी पसंद नहीं है। विचार इनका है सादा जीवन और उच्च विचार रखते हैं, सादा जीवन और उच्च विचार रखते हैं। परिवार पूरे भारत के समस्त समुदायों को अपना पूरा परिवार मानते हैं और विशेष तौर से मोदी जी का सपना क्या है भविष्य के लिए, और अभी भी जो जिस सबसे बड़ी समस्या से पूरी दुनिया लड़ रही है, तो उनका सपना है दुनिया को आतंकवाद से मुक्ति, दुनिया को आतंकवाद से मुक्ति दिलाना सबसे बड़ा सपना है मोदी जी का। खाना, खाने में क्या क्या लेते हैं, खाने में सबसे पहले खिचड़ी, कड्डी, उपमा और खाकरा, खिचड़ी, कड्डी, उपमा और खाकरा ये उनका पसंदीदा भोजन है। इसके अलावा कभी कभार हल्के फ्रूट भी लेते हैं, कभी कभार जो उनके सिस्टमेटिक में। और सबसे बड़ी बात है कि इतने बड़े महान आदमी को खाना कौन बना करके खिलाता है, तो उनका फेवरेट कुक है बद्री मीना, जो काफ़ी टाइम से इनको खाना बना करके खिलाता है। और दूसरी बात है कि विदेश दौरा होता है तो कुक साथ में जाता है, यही बद्री मीना जो इनके साथ में जाते हैं और उनको खाना, मोदी जी के खान पीन और उनकी हेल्थ में रसोई का क्या सहयोग रह सकता है, वो बद्री मीना के जरिए किया जाता है। सबसे बड़े बात यह कि लोग बहुत सोचते होंगे कि भैया बद्री मीना कौन है, ये हम आपको नहीं बताते हैं, कुछ पहलू हम डिटेल में, ये इनका पसंदीदा कुक है और ये मोदी जी को खाने के विशेष तौर से
खाने की जो प्रक्रिया है उसके अंदर, सॉरी सॉरी सॉरी, खाने के जो इवेंट्स हैं वो बद्री मीना ही तय करते हैं और यही बना करके खिलाते हैं। विदेशी दौरों पर ये साथ जाते हैं। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा कुक है वो भी साथ में रहता है। शाम की चाय 4:30 बजे लेते हैं मोदी जी। शाम की चाय कब लेते हैं? शाम की चाय 4:30 बजे। ऑफिस में बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं 9 बजे ही, और काम का समय होता है इनका 14 घंटे। रात्रि का खाना 10 बजे खाते हैं और सोने का वक्त रात्रि 12 से 1 के बीच में सो जाते हैं और सुबह जल्दी ही अपना बिस्तर छोड़ देते हैं। तो अब तक प्यारे दोस्तों को हमने ये बताया कि मोदी जी कब सोते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं और इनका रह चाल चलन कैसे क्या है, और दुनिया के महानतम जो नेता है जिनका मेन सपना है दुनिया से आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करना, पूरी दुनिया के सहयोग से दुनिया से आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करना है, जिससे लोग बाग काफ़ी दुनिया पूरी की पूरी आतंकवाद से जो ग्रस्त हैं लोग बाग, जो लोकली आतंकवादी है कि बाहर के आतंकवादी, उनको जड़ से ही ख़त्म करना, ये मोदी जी की दिनचर्या कारण है। खैर दोस्तों, हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको मेंटेन करके बनाया है। देखते रहिए, शेयर करते रहिए, इनसे प्रेरणा लेते रहिए। बहुत सारे इनकी दिनचर्या की बहुत ही इवेंट्स हैं तो हम आपको सारी डिटेल में नहीं बता सकते, लेकिन नॉर्मल एक इंसान की बात ही जीते हैं, सादा जीवन, उच्च विचार रखते हैं, प्लस सादा जीवन, और इनके साथ में जो इनका खाना है इनका कुक बद्री मीना ही बनाता है। विशेष तौर से लोग बाग जानने की इच्छुक रहते हैं कि इनके कुक कौन है, कौन खाना बनाता है, कहाँ बनता है ये, तो इसलिए हमने ये वीडियो बना करके आपको बताया है। देखते रहिए, और मोदी जी के फैन हैं इनको इसको बढ़ाते रहिए, और अपनी सफलता के लिए 14 घंटे काम करते रहिए, और हल्की नींद, काम पर ज़्यादा ध्यान। ओके, थैंक यू वेरी मच।